ये हमारे पास है होंडा हॉर्नेट 2.0, साथ में है यूजर ओम प्रकाश, और लगभग 8-9 महीने पहले खरीदा था भाई ने। 7000 किलोमीटर के आसपास की रनिंग भी हो चुकी है, तो क्या रहा पूरा एक्सपीरियंस, ये खरीदने का क्या रीजन था, कौन कौन सी गाड़ी ऑप्शन में थी और माइलेज कितना निकाल के दे रही है अभी के टाइम पे, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो ओम प्रकाश, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ, हॉर्नेट कब खरीदी? ये 24 फरवरी था, मतलब 9 महीने के लगभग हो गए जी। कौन कौन सी गाड़ी ऑप्शन में थी पहले? एसपी साइन लेने गया था मैं पहले। अच्छा, मतलब खरीदने तुम एसपी साइन गए थे? गया था, हाँ। फिर क्या, मतलब क्या है स्टोरी पूरी इसकी? साइन लेने गया था, लेकिन एक ख्वाब था कि मतलब हॉर्नेट मैं लूँ। अच्छा, तो मुझे लगा कि ये मतलब ये हॉर्नेट जो मैंने देखा उसमें तो बहुत प्यारी लग रही थी, हैंडलिंग भी बहुत प्यारा लग रहा था, देखने में भी काफी खुश। मतलब पहले तुम एचपी साइन लेने गए, तुमको पुरानी वाली हॉर्नेट बहुत पसंद थी, फिर ये दिख गई तुमको, तो ये मतलब फिर लगा कि भाई यही खरीदना चाहिए, तुमने ये खरीद लिया। ऐसा लग गया कि मुझे यही लेना है। अच्छा, हाँ, लेना ही तो मतलब काफी बजट तुमने बढ़ाया होगा। कितने की पड़ी थी ऑन रोड उस टाइम? ये ऑन रोड कैश में ही लिया था मैंने, तो 151,226 रुपए कुछ पड़ा था, मतलब 1.5 लाख रुपए, आप समझ सकते हो। ये ऑन रोड भोपाल की प्राइस भाई बता रहे। पल्सर या अपाचे वगैरह फिर देखी थी कि नहीं? नहीं, वो सब मुझे नहीं लेना था, हॉर्नेट बहुत प्यारी लगी थी तो। और इसमें तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी है, नए नए फीचर्स भी हैं, तो हाँ। अच्छा, हाँ, एक चीज़ मुझे बताओ, इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें क्या लगी? जैसे तुमने जो पहली बार देखा होगा तो कुछ तो इसमें तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा, क्या लगा वो? गोल्डन सोकअप, गोल्डन वाले एब्जॉर्बर्स ज़्यादा बढ़िया लगे, अलग ही लग रहे थे, इन्वर्टेड भी हैं जो कि सेगमेंट में फर्स्ट हैं, आप देख सकते हो पूरी इनकी। और क्या अच्छा लगा? एलईडी इंडिकेटर भी है इसमें, एलईडी इंडिकेटर भी हो गया, वो हजार लाइट्स भी इसमें आ गई थी, हजार लाइट बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये फीचर्स तुम्हें अच्छे लगे। और जैसे कि ये 180 सीसी की गाड़ी है, लगभग 184 सीसी की गाड़ी है, 17.2 पीएस के आसपास की इसकी मैक्स पावर है। तो अभी तक का जो 7000 किलोमीटर मैं देख रहा हूँ, 6926 किलोमीटर का ओडो का जो रीडिंग है, उसमें एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? पावर वगैरह सब? पावर वगैरह सब बढ़िया है। चलाने में एक दिक्कत आती है कि इसका जो डबल स्टैंड है, अगर कहीं हम लोग ब्रेकर वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ टच होती है। अच्छा, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम है, टकरा जल्दी टकराती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। अच्छा, जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं उसमें भी टकराती है, या फिर जो मतलब गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से कॉलोनियों में नहीं बने होते उस टाइप में टकरा? अगर हैवी हैवी बंदे दो अगर बैठे हो तो दो नॉर्मल में भी टकराएंगे। अच्छा, ओके, तो ये मतलब पल्सर बस में नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पास 220 थी, उसमें भी टकराता था, तो हाँ ये प्रॉब्लम इसमें भी है। उसी के अलावा सीट कंफर्ट कैसा लगा? सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, इसका हैंडलिंग भी बहुत प्यारी है, सिटी में चलाने में कोई सिंगल हैंडेड गाड़ी है, तुम ही चलाते हो? हाँ, तो 7000 मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारा यहाँ पे। हाँ, टॉप स्पीड कितनी चलाई इसमें? टॉप स्पीड इसका 122-124 समथिंग ऐसा ही गया कुछ, तो उतना मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना गया हूँ 124-125 तक गया हूँ। अच्छा, एक ही बार टच किया तुमने? हाँ। और इससे ऊपर भी जा सकती थी? हाँ, जा सकती थी, हाँ, बट ये तुमने अचीव करी। इसी के साथ ब्रेक्स कैसे हैं? ब्रेक्स जैसे डुअल डिस्क दिख रहा है मुझे, एबीएस भी है फ्रंट में, बाकी पिछले वाले ब्रेक में अभी कुछ दिन पहले आवाज आ रही थी तो मैंने सर्विसिंग कराया, तो कुछ कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, मतलब आवाज आ रही, कैसे आवाज आ रही है? जैसे ब्रेक्स लगाते हो तो किस टाइप से घिसने की? कुछ घिसने की आवाज आती है। ब्रेक पैड वगैरह सब चेक करा लिए थे ना? हाँ हाँ, सब चेक कराया, उसके बाद भी आ रही है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम लगी तुम्हें। हालांकि एक अपन दूसरी वीडियो कर देंगे प्रोज एंड कॉन्स को, कि भाई का जो 7000 किलोमीटर का एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या क्या कमियाँ लगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 6-7000 किलोमीटर कोई चलाएगा तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियाँ लगेगी, वो भाई से जान लेंगे, और क्या अच्छे पॉइंट्स लगे इस गाड़ी के बारे में वो भी देख लेंगे उस वीडियो में। अभी बस एक कम्प्लीट रिव्यू आपको दे देता हूँ, ये हो गया। इसी के साथ पीछे वाली सीट्स कैसी हैं? किसी को फैमिली में, किसी को बैठाया है दोस्तों को, तो कोई एक्सपीरियंस मतलब उनके लिए सही है, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, लेकिन ये है कि इसमें बस एक ही लोग बैठ सकते हैं, दो लोग बैठेंगे तो। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि टोटल दो लोग बैठ सकते हैं? हाँ, दो लोग, तीन लोग नहीं बैठ सकते। हाँ, बैठना भी नहीं चाहिए। और ये इंडिकेटर इसमें एलईडी वाले हैं यार, हजार्ड के साथ, ये देख सकते हो, तो इंडिकेटर कैसे लगे तुम्हें? इंडिकेटर बहुत प्यारे हैं, रात में चमकते अच्छे हैं, मतलब ब्राइट है, ब्राइट है। तो ओवरऑल जो तुम्हारा 7000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस था, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिली ना तुम्हें? बढ़िया, ऐसा पावर वगैरह की कम तो नहीं लगी? नहीं, नहीं, क्योंकि देखो जो जिस प्राइस में आती है ना 1.5 लाख के आसपास, इसमें तुमको 200 सीसी की बाइक्स भी मिल जाएंगी, तो तुम्हें ऐसा लगा कि भाई 200 सीसी लेना चाहिए, या फिर ये 184 सीसी सफिशिएंट था तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, ये मेरे सफिशिएंट था, क्योंकि 17 बीएचपी है अगर आप देखो तो, आज इतनी ही पावर सेम आपको अपाचे 164 भी में मिलती है, तो वो चीज़ है। बाकी चलाने का जो भी एक्सपीरियंस है वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को आरटीआर अच्छी लग रही, किसी को ये अच्छी लग रही है। इसकी हैंडलिंग सिटी में कैसी है? सिटी में बढ़िया है, जैसे सिटी में ट्रैफिक में हो तो हैंडल करने में बहुत बढ़िया, इजी है, चलती, बहुत कोई दिक्कत नहीं।
ट्रिप वन ट्रिप टू और ये गियर भी यहाँ दिखा रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है, क्लॉक भी है, मतलब सब है यार जो भी चाहिए हमें। बात करते हैं हेडलाइट के बारे में, फुली एलईडी का सेटअप है फ्रंट में, तो कैसे लगे ये तुमको, ब्राइट है या फिर लगता है कि यार कमी है रात में कुछ लाइट? नहीं कमी तो है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी मतलब कैसे, क्या दिक्कत? जैसे सिटी में हम लोग जाते हैं लाइट ऑन करते हैं इसका, तो ऐसा लगता ही नहीं कि गाड़ी का लाइट ऑन है जैसा है, मतलब लाइटिंग बहुत कम आती है। ये प्रॉब्लम मैंने भी फील करी है जब मैं स्टार्टिंग में हॉर्नेट को चला रहा था, तो मैंने भी नोटिस किया कि लाइट ठीक है एलईडी तो है, बट सिटी में ना कहीं ये हर जगह वो नहीं होती, रोड में आपको पता नहीं लगता किसकी लाइट चालू है जो भी रीज़न है, क्योंकि वाइट लाइट होती है पहली बात, तो इसकी भी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो हाँ ये प्रॉब्लम है कि लाइट जो है भाई को पसंद नहीं आई, बाकी इंडिकेटर एलईडी वाले हैं ये पसंद आया तुमको, है ना। इंजन अभी माइलेज भी बता दो यार, क्योंकि 7000 किलोमीटर में माइलेज तो आइडिया लग गया होगा, माइलेज कितना दे रही है? 42-43 के समथिंग दे रही है, मतलब 40 से तो ऊपर दे रही है, 40 से ऊपर दे रही है। हर एक कंडीशन में सिटी में ही चलाते हो तुम मोस्टली? हाँ, सिटी में ही चलाते हैं। ठीक है, तो भाई हॉर्नेट 2.0 का जो रियल माइलेज है भाई को जो मिल रहा है 7000 किलोमीटर चलाने के बाद, वो है 42 से लेके 45, मतलब 40 प्लस आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से 180 सीसी की बाइक के लिए 40 प्लस का माइलेज बहुत ही अच्छा है। स्मूथ है इंजन के, नहीं है? स्मूथनेस कैसी लगी? स्मूथनेस चलानी है, हैंडलिंग बहुत प्यारी है इसकी। इंजन वैसे भी होंडा का इंजन है, होंडा का इंजन आप सभी को पता है भाई, एक नंबर स्मूथनेस रहती है, रिलायबल भी रहता है। साउंड कैसा लगा तुम्हें? साउंड अभी मैं सुना भी दूंगा यहाँ पे आपको, फिर भी बताना एक बार। साउंड भी बहुत प्यारी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ इसमें कमी जैसे कि अगर बताओ कि भाई व्यूवर्स को कमी बतानी हो तो क्या कमी लगी तुमको? चेन की प्रॉब्लम आती है, टकराता है, ग्राउंड क्लीयरेंस कम है। और ये दूसरी प्रॉब्लम लाइट की कमी आती है, लाइट भी कमी है, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में अगर हम गाड़ी लेंगे तो ये इंजन से थोड़ा सा ऑयल लीकिंग होगा, लेकिन सर्विसिंग के बाद वो भी ठीक हो जाती है। तो ये थोड़ा समझे नहीं, मतलब कैसे कहाँ से लीक होता है? ये जहाँ से इंजन ऑयल भरने का कैप है वहाँ से लीक होता है, वहाँ से लीक होता है। और लीक होता है तो कितना भी अच्छा करा लो ठीक ही नहीं होगा। अच्छा, इसमें वाशर जो होता है उसको चेंज कराएंगे हम लोग। अच्छा, तो अगर आपके पास हॉर्नेट 2.0 है, आपने प्रॉब्लम फील करी कि नहीं करी बताना कमेंट बॉक्स में। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा भाई तुमसे कि जैसे कि यार अभी तुम्हारी लॉन्ग रनिंग हो चुकी है, 8-9 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, तो यहाँ के जो प्लास्टिक के पैनल्स हैं इनकी क्वालिटी कैसी लगे, मतलब वीक लगे या अच्छे हैं, क्या कहना चाहोगे? यहाँ टैंक के बाजू में तो सब बढ़िया है, लेकिन ये ऐसा है कि लाइटिंग में थोड़ा सा ऊपर वाला प्रॉब्लम, ये सब थोड़ा सा वीक लगता है, हल्का लगता है। हाँ, तो फिट एंड फिनिश सही लगी मुझे, जो स्टिकर्स हैं वो भी मुझे सही लगे, और ये यहाँ पे एंटी स्क्रैच वाला कुछ तो मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि स्क्रैच वगैरह नहीं आता, क्योंकि टैंक पे मोस्टली यहाँ पे स्क्रैचेस हमें देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, स्विच विच सही है ना, कभी कुछ खराब नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कभी खराब नहीं हुआ। अब बात करते हैं भाई एक्सपेंस तुमने इसमें कितना लगाया अभी तक, जैसे अभी 7000 किलोमीटर हो गए तो कितनी सर्विस कराई? सर्विस तो मैंने 3 करा लिया। पहली सर्विस कब कराई थी? पहली सर्विसिंग 500 किलोमीटर चला लिया था, तो उसके बाद ही करा लिया था। कितने पैसे लगे थे उसमें? समथिंग 650-650 लगा था। वो इंजन ऑयल का लगा होगा, फिल्टर का? हाँ, क्योंकि लेबर फ्री तो रहता है स्टार्टिंग। हाँ, सेकंड सर्विस कब हुई थी? सेकंड सर्विसिंग 4,500 या 5,000 के समथिंग में कराया था। उसमें कितने पैसे लगे? उसमें 700-750 लगा था। तो फिर तीसरी कब कराई यार? तीसरी तो अभी 3-4 दिन पहले करा रहा हूँ मैं। 3-4 दिन पहले ही कराया? लगभग 6,500-6,600 6,600 किलोमीटर में तुमने कराई। कितने पैसे लगे उसमें? उसमें 790 रुपये कुछ लगा। तो ये तीसरी सर्विस तुमने बहुत जल्दी करा दी मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि 10,000 के आसपास होनी चाहिए थी। हाँ, तो मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगा, हर एक सर्विस में आप देख सकते हो 700-600 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि लेबर फ्री सर्विस है ये, तो लेबर का तो कॉस्ट लग नहीं रहा है, जो भी कॉस्ट है वो आपका पार्ट का या जो भी है। बाकी हाँ, ब्रेक्स पैड वगैरह कभी चेंज हुए अभी कि नहीं हुए? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी सब मतलब स्टॉक वाले ही हैं जो कंपनी के साथ आते हैं। तो 7000 किलोमीटर तुम्हारे ब्रेक पैड भी एक भी बार नहीं चेंज हुए, आगे वाले पीछे वाले, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस नहीं हुए, जो भी हुआ इंजन ऑयल आपका फिल्टर। ये यहाँ पे साइलेंसर में देख रहा हूँ, ये पूरा ये पेंट इसका निकल गया है। हाँ, इसमें पैर रखने की वजह से क्या होता है कि ये जो नीचे का हील वाला पोजीशन है वहीं पे आता है, तो थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, ये मैं आपको यहाँ पे क्लिप दिखा देता हूँ। तो हाँ, ये प्रॉब्लम है कि जो इसका जो साइलेंसर का एग्जॉस्ट है थोड़ा सा और पीछे तक होता तो मेरे हिसाब से सही था। एक प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ, सेकंड वीडियो होगी मे बी। जैसे कि इसमें गोल्डन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, देखने में काफी अच्छे लगते हैं, इन्वर्टेड है, तो क्या कम्फर्टेबल है? मतलब खराब रोड में तुमने चलाया कभी, तो खराब रोड में ज्यादा उछलती है या नॉर्मल सेट है? नहीं, बहुत नॉर्मल रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर्स लेते टाइम स्टेबिलिटी सही है? सब बढ़िया। जैसे टर्न से अभी अपन आ रहे थे तो रास्ते में कॉर्नर्स था? नहीं नहीं,
सही था ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से लीन कर सकते हैं गाड़ी आराम से लीन। तो भाई यही है, देखो भाई का पूरा एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और ओम प्रकाश मुझे बताओ, जैसे कि अभी आज के टाइम पे 1.5 लाख रुपए की बाइक रिकमेंड करना हो, हालांकि अभी थोड़ी बहुत इसकी ऑन रोड बढ़ चुकी होगी, तो ये रिकमेंड करोगे कि नहीं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन दोगे? नहीं, सबसे बढ़िया बाइक है, बढ़िया लेना चाहिए लोगों को, सबसे बेस्ट यही लगा। मैंने खुद चलाया है, 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी करके रखी है, तो आप देख सकते हो। तो बिल्कुल भाई सेटिस्फाइड है, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स से पूछो, ओम प्रकाश भाई भी आंसर कर देंगे, मैं भी कर दूंगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।